शांति। आज की तारीख है 31/12/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे, क्योंकि व्यर्थ नहीं। बाबा की सेवा का संकल्प है इसीलिए वो शुद्ध है, समर्थ है। प्रश्न है आज का, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। लौकिक में संबंध है ये बात याद रखते हुए नहीं करें, उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प चलता भी है तो वो विकर्म बन जाता है, इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। धारणा के लिए मुख्य दो चिंतन के बिंदु, नंबर एक है, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। हाँ, तो चिंतन करना कि क्यों बाबा ने कहा ऐसे, बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। नंबर दो है, स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान है सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। बाप दादा कहते हैं, महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात क्या कहा होगा बाबा ने? बाबा कहते हैं कि महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितना आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप बन जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती हैं वे सदा खुश रहते हैं। तो यदि खुश रहना है तो आशीर्वाद प्राप्त करना है, और आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सेवा करनी है सबकी, और सेवा करना है तो बाबा से हमारा प्यार होना अति आवश्यक है। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने अमृत वेले का होमवर्क दिया है कि अमृत वेले क्या करें, महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, ओम शांति।